अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपनी YouTube वीडियो का थंबनेल कैसे बना सकते हैं। तो ये मेरी प्रीवियस वीडियो का थंबनेल है और मैंने अपनी टेम्पलेट तैयार की हुई है। आप भी इसी तरह करिएगा कि आप भी अपनी वीडियो के लिए आप भी डिफरेंट टेम्पलेट्स तैयार करके रखें फोटोशॉप के अंदर। तो हम फोटोशॉप में बनाएंगे। अगर आप फोटोशॉप से फेमिलियर हैं तो ये बड़ा आसान है आपके लिए बनाना। अब जैसे मैं नई टेम्पलेट तो नहीं बनाने लगी, लेकिन मैं आपको इसी टेम्पलेट को एडिट करके दिखाऊंगी कि मैं इसमें कैसे काम कर रही हूँ। और मैं इस टेम्पलेट को अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इसका लिंक दूंगी, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसको मॉडिफाई करके आप अपनी वीडियोज़ के अंदर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे मेरी एक वीडियो है, अभी रिसेंटली मैंने उसको अपलोड किया था और मेरी उस वीडियो का अभी कोई भी थंबनेल इमेज नहीं है। तो उसके लिए अब जैसे वीडियो का टाइटल है YouTube मोनेटाइजेशन अर्न मनी बाय मेकिंग वीडियोस, ठीक है। अब क्योंकि अर्न मनी है तो इसका जाहिर है हमें इस पर कोई ऐसा इमेज प्लेस करना है जिसके अंदर लोगों को अट्रैक्ट करे, जिस पे लोग क्लिक करें। वहाँ से लेंगे हम पैक्सल्स से इमेज लेंगे, pexels.com। मैंने यहाँ अपना आईडी बनाया हुआ है, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँगी मनी तो यहाँ पे डिफरेंट इमेजेस मेरे सामने आ जाएंगे और इसमें से मैं बेस्ट सेलेक्ट अपना जो इमेज है वो करूँगी। और मुझे ये सबसे ज़्यादा पसंद है इमेज और मैंने इसको अपनी वीडियो में भी इस्तेमाल किया हुआ है, तो मैं इस इमेज को इस्तेमाल करूँगी। लेट्स सी। और इसकी मैं हाई रेस ओरिजिनल साइज में इसको मैं डाउनलोड करती हूँ। अब आपके YouTube की YouTube थंबनेल साइज 20 कि आपके थंबनेल का साइज क्या होना चाहिए। आपके थंबनेल का साइज आपकी जो विड्थ है वो 1280 होनी चाहिए और जो आपकी इमेज की हाइट है वो 720 होनी चाहिए। ओके जी, तो यहाँ पे मेरी ऑलरेडी मैं यहाँ पे इमेज पे जाती हूँ और इमेज पे जाके मैं आपको यहाँ पे इमेज साइज शो करवाती हूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरी वीवेट 1280 है और मेरी जो हाइट है वो 720 है। ओके जी, अब इसके अंदर हम इमेज रिप्लेस करेंगे ये वाला। तो ये इमेज मेरे पास डाउनलोड हो चुका हुआ है और मैं इसको इमेज को अपने फोटोशॉप के अंदर लेकर आऊँगी ड्रैग एंड ड्रॉप करके। ओके जी, अब मैंने इस इमेज को क्या किया है, अब मैं यहाँ पे आपने क्लिक करती हूँ इस बैकग्राउंड इमेज पे जो मेरे पास पहले से मौजूद है, जिस पे ये YouTube का इमेज मौजूद है। ये जो 10 टिप्स हैं ये मेरा अपना टेक्स्ट है, पर्सनल टेक्स्ट। मैं यहाँ से ये इमेज पर डबल क्लिक करूँगी क्योंकि ये लॉक्ड है तो ये वहाँ ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो मैंने इसको यहाँ पर मूव कर दिया। और ओके जी, अब मैं ये अपना पिछला इमेज डिसेबल करूँगी तो ये इमेज जो है वो मेरे पास यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, अब मैं इसको जूम आउट करती हूँ और जूम आउट करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करूँगी और ताकि ये मेरी वीडियो के अंदर अच्छे से दिखाई दे और डिस्प्ले हो। अब ये मेरी एडजस्टमेंट हो गई भी है, मुझे ये इसी पोजीशन पे चाहिए। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है ये 10 टिप्स हैं। मैं यहाँ पे इसको फिलहाल डिसेबल कर देती हूँ बिकॉज ये टिप्स से रिलेटेड तो नहीं है। और ये मेरा टेक्स्ट है टोटल और मैं इस टेक्स्ट को जो है यहाँ पे चेंज करती हूँ। हाउ वीडियो। अब ये टेक्स्ट आउट ऑफ स्कोप जा रहा है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूंगी 140 और इसको मैं 130 करके देखती हूँ और ये मेरा एडजस्ट हो गया है। अच्छा, अब इसकी थोड़ी सी जो लाइन स्पेसिंग है इसको मुझे एडजस्ट करना है क्योंकि वो इक्वल नहीं आ रही, यहाँ पे कम है और वहाँ पे ज़्यादा है, क्योंकि जब हम इसको चेंज करेंगे तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट हमें करना पड़ेगी। अब ये मेरी लाइन स्पेसिंग है,
150 और मैं इसको 130 करती हूँ. सी, ये बिल्कुल ठीक हो गई हुई है. इसको मैं थोड़ा सा मूव करती हूँ लेफ्ट साइड पे और थोड़ा सा टॉप की तरफ. अच्छा, ये रेड कलर इतना अपीलिंग नहीं लग रहा क्योंकि ये मेरे इमेज के साथ मैच नहीं हो रहा, तो मैं यहाँ से लाइट कलर एक पिकअप करूँगी जो कि मेरे कलर ड्रॉपर टूल के ज़रिए, और मैं इसको ये कलर दे दूँ और इसको भी मैं इसी तरह यहाँ से ही कलर दे दूँगी. थोड़ा सा इसको लाइट कलर रखना है ताकि ये आपकी वीडियो के अंदर विजिबल हो, मतलब लाइक दूर से भी दिखाई दे ज़्यादा, मतलब अगर ये इमेज मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ जूम आउट करके, तो फिर समटाइम अगर हम डार्क के ऊपर डार्क का कम्बिनेशन यूज़ करते हैं तो वो विजिबल नहीं होता. तो जैसे मैं इसको जूम आउट करूँगी तो इट इज़ रीडेबल, मतलब कि इतनी फॉर्म के अंदर भी रीडेबल है. अगर ये मोबाइल फ़ोन पे भी ओपन हो रहा है तो ये रीडेबल. ओके जी, ये मेरा इमेज जो है बिल्कुल रेडी है और ये मैं आपके साथ ये फाइल डिस्क्रिप्शन में शेयर भी कर दूँगी. उसके बाद मैं क्या करती हूँ, फाइल में जाती हूँ और मैंने इसको सेव कर दिया है. उसके बाद मैं सेव फॉर वेब करूँगी ताकि मैं इसका जेपैक इमेज हासिल कर सकूँ. ये मैंने सेव पे क्लिक किया और ये मेरा यूट्यूब थंबनेल इमेज है. और मेरा क्या है टॉपिक, हाउ टू मेक अ थंबनेल. अच्छा जी, ये थंबनेल रेडी है. अब इस थंबनेल को मैं अपनी वीडियो के अंदर अप्लाई करूँगी. मैं अपने चैनल पे वापस आती हूँ और मैं ये वीडियो है, मैं इस पे इसको जाके ओपन करती हूँ अपने डैशबोर्ड से और वीडियोस में जाऊँगी और यहाँ पे मैं ये इसको इस पर क्लिक करूँगी. और अभी मैंने इसके यहाँ पे मैं आती हूँ अपलोड इमेज पे, और अपलोड इमेज पे मैं ये इमेज को यहाँ से ओपन कर देती हूँ. ओपन करने के बाद मैं इसको यहाँ पे सेव कर देती हूँ. ले जी, मेरी वीडियो का थंबनेल बिल्कुल रेडी है और ये अब विजिबल होगा ऑन माय चैनल. मैं यहाँ पे रिफ्रेश करती हूँ और जब मैं अपनी प्लेलिस्ट ओपन करूँगी, अपनी वीडियोस पे जाऊँगी, तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा थंबनेल जो यहाँ पे अपडेट हो चुका है. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा, इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है और आप फ्यूचर में कौन सी वीडियोज़ देखना चाहते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.